सिख कौम के महान शहीद बाबा दीप सिंह जी जिन्होंने अपनी सीस तली ते रख के सिख कौम नू बचाउण लई मुगलां नाल जंग लड़ते हुए शहीद होए अते उन्हां अपना सीस सचखंड श्री दरबार साहिब परिक्रमा विच रखिया अते अज भी उस जगह ते बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप प्रकाशित है अते संगतां उत्थे नतमस्तक हुंदियां हन। लेकिन हुण SGPC वल्लों उस जगह ते बाबा दीप सिंह जी का अस्थान बनाया जा रहा है। इस दौरान पत्रकारां नाल गलबात करदियां SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि सिख कौम दे महान शहीद बाबा दीप सिंह जी का स्थान भावें अमृतसर शहर के बाहर वाल बनाया हुआ है, लेकिन जो संगत सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होने आउंदियां हन तां परिक्रमा च बने उस रिपीट परिक्रमा च बने उन्होंने स्वरूप से भी नतमस्तक होके जाती है, जिसके चलते साढ़े वालों हूँ इस जगह पर अस्थान बनाया जा रहा है। इस गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाएगा और जिथे कीर्तन भी किया जाएगा और संगत इतने भी आके नतमस्तक हो सकती है। इस स्थान से बनाने की अज अरदास बेनती की जा रही है। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत जी। होवे मरन परवानो धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद जिन्होंने इस पवित्र स्थान के उत्ते आके धन गुरु रामदास जी की परिक्रमा के अपना शीस भेट किया, क्योंकि अरदास करके आए से, संकल्प करके आए से कि जो बेअदबी सरोवर की कीती गई है उहदा असीं जाके बदला लेना, उत्थे जाके जो बेअदबी कीती गई है उन्हां लोकां नाल असीं बदला लैके लोहा लेना, शहीद हो जावांगा पर मेरा सिर जिहड़ा वह जाके धन गुरु रामदास की परिक्रमा विच लगेगा। फिर जदों टाला साहब जो बनिया होया गुरद्वारा साहब तरन तरन दे विच अमृतसर तरन तरन रोड के उत्ते उत्थे उन्होंने जिहड़ा धर सी शरीर असीस नालों वक्खरा होया, जदों फिर भी वह लड़ते लड़ते इत्थे पहुँचे तो अपना शीस लिया के अपनी लिया के इत्थे भेटा किया। यह पवित्र स्थान है, संगता की बहुत वड्डी श्रद्धा उस महान योधे दे दित्ते हुए इतिहास विच उसनू नमस्कार करन दी, और असीं देखते हैं जो परिक्रमा च संगत आउंदी है वो संगत हमेशा ही बाबा दीप सिंह शहीद के स्थान नू शीस नवा के लंघदी है, भावें उन्हां दा गुरद्वारा वड्डा बनिया होया बाहर शहर के उत्थे भी जाके लोग शरदा पूरियां करते हैं, संगतां पूरियां करदियां, पर फिर भी जिथे शीस भेट किया गया उस स्थान के उत्ते बहुत वड्डा अपना जिहड़ा अकीदा रखते हैं, बहुत वड्डी श्रद्धा रखते हैं। सो इस करके कि संगत विच आम तौर पर कई बार आउंदा कि आपां कल्ले उन्हां दे चित्र नूं मत्था टेक के चले जाने हैं, असीं उन्हां दे सरूप नूं मत्था टेक के चले जाने हैं, इत्थे गुरु की गल, गुरु की कथा, गुरु की बाणी इत्थे गाई जावे। सो इस स्थान नूं जिद्दां बाबा बुढ़ा साहब जी दा हाल बनाया कि लोग बेरी नूं मत्था टेकदे सी उस बेर साहब की बजाए गुरु नूं मत्था टेकण, इस तरह जो दुखपंजनी बेरी है संगतां उन्हूं ही मत्था टेकदियां सन, ते संगतां दे मन विच आया कि इस बेरी की बजाए गुरु साहब नूं मत्था टेकण। उत्थे भी प्रकाश किए गए है, सामने भी गुरद्वारा बनाए गए, परिक्रमा दे विच कमरे बनाए गए। सो ये जिहड़ियां वख-वख थावां हन, एक गुरु रामदास के घर विच वख-वख चप्पा चप्पा जिहड़ा इस परिक्रमा दा वो किसी ना किसी इतिहास नाल जुड़िया होया, भावें किसी बुंगे नाल जुड़िया, भावें बाबा गुरबख्श सिंह जी शहीद नाल जुड़िया होया, भावें धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के श्री अकाल तख्त साहिब नाल जुड़िया होया, जां इस तरह जो एक एक स्थान जिहड़ा उन्हूं जे गिनती करिए तो लंबा समां लगेगा। मैं अज कर्नल बलवीर सिंह जी ने यह सेवा अपनी झोली च पाई है, उन्हां दा धन्नवाद करदी हां ते वधाई भी दिंदी हां कि जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिहदे भागां विच होवे उहनूं ही कृपा करदा परमात्मा। बड़े चिरां दी कहिंदे मेरी रीस सी कि यह सेवा मैनू वाहिगुरू बख्शिश करे, गुरु रामदास बख्शिश करे। सो बहुत वधाइयां जी, संगत नाल भी धन्नवाद जिहड़े हमेशा बड़ा सहयोग दिंदे आ, धन्न गुरु रामदास जी सेवादारां दी सेवा लेखे लाए ते इसे तरह चढ़दी कला च रखे।